ये है हिंद महासागर, जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के ऊपर यानी कि हमारे भारत देश के ऊपर रखा गया है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिंद महासागर के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। नंबर वन, दुनिया के सभी महासागरों में पानी एक ही दिशा में बहता है, पर हिंद महासागर में पानी का बहाव साल में दो बार दिशा बदलता है। गर्मियों में मानसूनी हवाओं के कारण पानी भारत की ओर बहता है, वहीं सर्दियों में इसका पानी अफ्रीका की ओर बहने लगता है। नंबर टू, विश्व की दो बड़ी नदियां ब्रह्मपुत्र और गंगा हिंद महासागर में मिलती हैं। ये नदियां 2000 किलोमीटर दूर हिमालय पर्वतमाला से रेत व मिट्टी लाकर समुद्र में डालती हैं, जिनसे कि नदियों के मुहानों के आगे महासागर में अनेकों छोटे बड़े टापू बन चुके हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। नंबर थ्री, हिंद महासागर का क्षेत्रफल 7.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर का है तथा इस महासागर की औसत गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। नंबर फोर, हिंद महासागर का अधिकांश भाग पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में आता है। इसके उत्तरी छोर पर हमारा भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिका, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं। नंबर फाइव, हिंद महासागर को एक युवा महासागर माना जाता है, जिसने मात्र 3.6 करोड़ वर्ष पहले ही अपना वर्तमान रूप ग्रहण किया है। नंबर सिक्स, इस महासागर में स्थित अधिकांश द्वीप महाद्वीपीय खंडों से टूटकर अलग हुए भाग हैं, जैसे में हमारा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका, मेडागास्कर तथा जंजीबार। नंबर सेवन, इस महासागर में जल की कुल मात्रा 29.22 करोड़ घन किलोमीटर यानी कि 7,86,000 घन मील होने का अनुमान है। नंबर एट, हिंद महासागर का सबसे गहरा हिस्सा जावा ट्रेंच में है, जो लगभग 7.258 किलोमीटर गहरा है तथा इसे सुंडा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है एंड ये जगह सुमात्रा के नज़दीक स्थित है। नंबर नाइन, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, जो कि कुल 5,87,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नंबर टेन, मेडागास्कर के पूर्व में स्थित मॉरिशस तथा रीयूनियन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप हैं, जिनमें हर साल 20 सेंटीमीटर का वृद्धि होता है।